हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है स्ट्राइड। स्ट्राइड स्कीम को गाइज लॉन्च किया गया था बाय यूजीसी इन द ईयर 2019, यानी कि लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ यूजीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग दिस। सो स्ट्राइड का फुल फॉर्म है गाइज स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। It was launched by UGC, which works under Ministry of HRD. Ministry of HRD is headed by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, as we all know. His Lok Sabha constituency is Haridwar. Alright, and this was launched in the month of July 2019. And for this, UGC ne ek committee bhi set up kari thi, jiske chairperson the Bhushan Patwardhan, to oversee the entire scheme. Alright, ye UGC ke vice chairperson hai, jinka naam hai Bhushan Patwardhan. Inke andar kar ek advisory committee set up ki gayi thi by the UGC, ताकि इस पूरी की पूरी स्कीम को वो हैंडल कर सके। राइट, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम? सो टू आइडेंटिफाई यंग टैलेंट, स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर, बिल्ड कैपेसिटी, प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी एंड नेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली जो इसका मेन एम है वो ये है कि जो इंडिया है उसके अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर रिसर्च कल्चर को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो हमारी इकोनॉमी में काफी हेल्पफुल हो। राइट, एंड टू फाइंड मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, हाई इंपैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंस। राइट, नाउ द प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल अंडर द स्कीम हैव टू बी सोशली रेलेवेंट, लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट। सो टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम द प्रोजेक्ट्स शुड बी सोशली रेलेवेंट, लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट। सो ये चार चीजें उस प्रोजेक्ट के पास होनी चाहिए अगर वो प्रोजेक्ट इस स्कीम के बेनिफिट लेना चाहता है तो। एंड नाउ गाइस देयर आर थ्री कंपोनेंट्स अंडर द स्कीम, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो अंडर फर्स्ट कंपोनेंट इट इज स्कीम फॉर रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई मोटिवेटेड यंग टैलेंट्स विद रिसर्च एंड इनोवेशन एप्टीट्यूड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो जो पहला कॉम्पोनेंट है उसमें क्या है कि जो भी मोटिवेटेड यंग टैलेंट्स हैं, जिनके पास अच्छा रिसर्च कैपेसिटी है, रिसर्च कैपेबिलिटी है, इनोवेशन है जिनके पास, उनको आइडेंटिफाई करना सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। एंड दिस कंपोनेंट इज ओपन टू ऑल द डिसिप्लिन्स फॉर ग्रांट अप टू ₹1 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन। इसमें 1 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन का ग्रांट मिलता है और उसका टेन्योर कितना है गाइस 3 साल का। एंड अंडर द सेकेंड कॉम्पोनेंट विच इज स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, there will be encouraging collaborations between universities, government, industries and voluntary organizations. It is mainly to enhance social innovation and action research to improve the well-being of people and contribute to India's economy. Right? Basically, इसमें क्या होगा, जितने भी universities है, governments है, industries है, voluntary organization है या कोई भी stakeholders है regarding the higher education, उन सभी का इसमें collaboration होगा ताकि social innovation को enhance किया जा सके एंड जो पीपल है उनकी वेलबींग को इंप्रूव किया जा सके एंड देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इकोनॉमी। ऑलराइट, एंड अंडर दिस द ग्रांट इज फ्रॉम ₹50 लाख टू ₹1 करोड़ एंड द टेन्योर इज आल्सो 3 इयर्स। एंड द थर्ड कंपोनेंट एंड द फाइनल कंपोनेंट अंडर द स्कीम इज स्कीम फॉर हाई इंपैक्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंसेज। एंड अंडर दिस कंपोनेंट देयर आर वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक फिलोसफी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, कॉम, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। सो आपको ये सारे सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड द ग्रांट फॉर दिस कॉम्पोनेंट इज अप टू ₹1 करोड़ फॉर 1 हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अप टू ₹5 करोड़ फॉर मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है तो ₹1 करोड़ तक का ग्रांट है, और अगर कोई मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है या कोई मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है तो उसमें ₹5 करोड़ तक का ग्रांट दिया जाएगा एंड द टेन्योर ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इज ऑफ 5 इयर्स। ऑलराइट, सो दीज आर गाइज द थ्री कॉम्पोनेंट्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम स्ट्राइड। ये बहुत छोटी सी स्कीम है बट इसमें से काफी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइड स्कीम। सो स्टेटमेंट 1 इज द स्कीम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रिसर्च कल्चर एंड इनोवेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री एंड इट वॉज लॉन्च बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड वी हैव टू फाइंड द correct statement. So guys, we know that this scheme aimed at strengthening research culture and innovation and we also know that it was launched by University Grants Commission or UGC. So therefore, the correct answer will be what guys? Option C, both 1 and 2. Now question number 2 is UGC has launched a new scheme STRIDE to boost research culture in India. What does E stand for?
इन स्ट्राइड, स्ट्राइड के अंदर ई का हमसे मतलब पूछा है। सो अभी अभी हमने पढ़ा था फुल फॉर्म ऑफ स्ट्राइड, दैट द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्राइड इज स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। सो ई स्टैंड्स फॉर गाइस व्हाट? इकोनॉमी। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ई, इकोनॉमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट वन ऑफ द थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च अंडर द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द स्कीम। नाउ अब जो थर्ड कॉम्पोनेंट था उसमें गाइज बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और मैंने आपको मना किया कि सारे सब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट उस थर्ड कॉम्पोनेंट में से एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वी नो दैट थर्ड कॉम्पोनेंट इज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंसेज। ओके, सो अगर आप इन ऑप्शन को देखोगे कि इनमें से कौन सा थ्रस्ट एरियाज नहीं है, तो गाइज स्पेस स्टडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज और ह्यूमन साइंसेज। ऑलराइट, सो लॉजिकली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन डी, स्पेस स्टडी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर है कि मैंने इसको किस तरीके से किया बिना सारे सब्जेक्ट्स याद करे। मेरे को भी सारे सब्जेक्ट्स याद नहीं है, उतने सारी चीजें याद रखने का कोई मतलब नहीं है, बट तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज हमें पता है कि जो थर्ड कॉम्पोनेंट है वो ह्यूमैनिटीज और ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली स्पेस स्टडी इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंस। राइट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन डी, स्पेस स्टडी। Now question number 4, consider the following statements regarding the grant assistance under the scheme STRIDE and identify the correct combination of the statements which are correct and which are incorrect. Alright, so statement 1, grant assistance up to rupees 1 crore under the first and second component. Yes, absolutely correct. Statement 2, grant assistance is up to rupees 1 crore for one high educational institute under the third component. Yes, correct. Grant assistance is up to rupees 3 crore for multi-institutional network under the third component. No, it is not 3 crore guys, it was 5 crore. Ye multi-institutional network ke liye jo grant hai wo kitna hai? 5 crore rupees ka hai. So, hamara jo statement 1 and 2 hai wo correct hai. Aur jo hamari statement 3rd hai wo incorrect hai. So, jo hamara sahi jawab ho jayega is question ka, that will be option C. 3 is incorrect but 1 and 2 are correct. Alright. Now question number 5, to avail the benefits of this scheme, the projects should be having these qualities except. So guys, the project should be having qualities socially relevant होना चाहिए, वो locally need based होना चाहिए, nationally important होना चाहिए, globally significant होना चाहिए and financially viable जैसा कोई उसमें context नहीं है. So therefore the correct answer will be what? Option B, financially viable. Financially viable नहीं, financially viable जैसा कोई भी context इसके इस प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए. राइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर द स्कीम, आई होप यू लाइक इट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.